प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंकल वन फॉर मजा रहे। बजाएंगे बेटा, बजाएंगे। एक मिनट। हाथी भाई, आप लोग क्या हंस रहे हो ऐसे? कुछ कीजिए ना, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। हाथी भाई प्लीज। हाँ, कुछ करता हूँ। एक मिनट। हाँ, मुंह खोलिए और खोलिए और मुंह खोलिए। दिख गई, सिटी दिख गई। अच्छा, पर उसको निकालूं कैसे? आइडिया। हंसिए भिड़े भाई, हंसिए। हंसो ना। गुदगुदी मैं आपको कर रहा हूँ और गोली हंस रहा है। अरे हंसोगे तभी तो सीटी मार आएगी ना। आइडिया। पेट की पूरी हवा बाहर आ गई पर सीटी नहीं आई। अब क्या करूं? दूसरा कुछ इलाज कीजिए ना हाथी भाई। आइडिया। अरे आपके लिए नहीं है, वो क्या है ना कि मेरा ब्रीफकेस नहीं खुल रहा है, तो आजकल इससे खोलता हूँ। आप बैठिए। एक मिनट, बैठिए। आप वो करेंगे। हाँ, खुल गया। हाथी भाई, वो नीचे उतर जाएगी ऐसे करेंगे तो। अरे सॉरी, अच्छा याद करा दिया। एक मिनट। क्या हुआ? नहीं हो रहा है। मुश्किल है, अब तो एक ही उपाय है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे सुन तो लीजिए, वो क्या कह रहे हैं? अरे क्या बच्चे की तरह डरते हैं भिड़े मास्टर? ऑपरेशन में होता क्या है, एक छोटी सी इंजेक्शन लगाएंगे, एक छोटा सा गले में कट करेंगे, उसके बाद सीटी निकाल लेंगे, उसके बाद सिल देंगे, ऑपरेशन का सिलसिला खत्म। उनको जाने दीजिए, आप मुझे बताइए क्या करना है। अरे एक मिनट, मैं आपको गले के स्पेशलिस्ट का नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लो। जी एक्चुअली हम लोग आप ही के घर पे आ रहे थे। अच्छा हो कि आप यहीं पे मिल गए। एक्चुअली यू नो अय्यर की हिंदी काफी कमजोर है, तो मैंने सोचा अगर आप जरा इनको हिंदी की ट्यूशन दे दे तो यू नो अच्छा होगा। भिड़े तू ना बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हो? ना बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? पर अब ये तो बोलो कि अब ना क्यों बोल रहे हो? बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। ठीक है ठीक, वो मैं पान करने जा रहा था, आप खाएंगे? लेके आऊँ आपके लिए? ओह प्लीज नो थैंक्स। और इधर डॉक्टर हाथी किधर जा रहे थे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो ठीक,
एक्चुअली हम भीड़े जी के पास जा रहे थे। क्यों भीड़े इधर है। हाँ। क्यों भीड़े भाई से मिलने? क्या है ना कि इनकी हिंदी काफी कमजोर है। अच्छा है ना। मतलब बराबर बहुत कमजोर है। तो मैंने सोचा अगर भीड़े जी जरा इनको हिंदी ट्यूशन दे दे तो। पर मैं कब से इनसे बात कर रही हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहे, सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे। तो बराबर है ना बबीता जी, इतना बड़ा शौक आप देंगे तो भल भले आदमी की बोलती बंद हो जाएगी। अरे अय्यर भाई को हिंदी सिखाना मतलब वो बिना रिमोट के टीवी का चैनल चेंज करने जैसे। जेठालाल तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई। भीड़े जी बोलिए ना, आप ना क्यों बोल रहे? क्या भाई ये बबीता जी पूछ रही है, क्या ऐसे ऐसे करके खड़ा क्या, जवाब दे बबीता जी। भीड़े तुमने ये चुप रहे, मेरे यहाँ होते हुए तुम बबीता जी को देख के सीटी मार रहे हो? अरे फिर से सीटी, आज तूने बबीता जी को देख के सीटी मारी है, कल को तू सोसाइटी की सारी औरतों को देख के सीटी मारेगा। अगर इसी तरह तुम्हारी सीटी बजती रही तो सोसाइटी की सारी औरत अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी। जेठालाल ये अभी मुझे देख के भी सीटी मार रहे है। बेशरम, घर में बाप भाई है क्या? नहीं कुछ कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट वो समझ के मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहे हो। हाँ बोलो। सिटी गले में जाम हो गई। सिटी इसके मुझे आ गया। वाह 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 बबीता जी, ये कल ही अब्दुल के दुकान पे सिटी का मजाक उड़ा रहा था, आज सिटी ने बराबर बदला लिया इससे। लेकिन भीड़े भाई ये हुआ कैसे? माधवी भाभी को बुला रहे, माधवी भाभी को बुला रहे। बोला काय झालं? हो क्या जेठा भाई, आप भी इनके गले में सीटी अटक गई और आप मजाक कर रहे हो? सॉरी सॉरी। क्या हाथी भाई ने क्या बोला? उन्होंने गले के स्पेशलिस्ट का नंबर दिया है, चलो दोपहर की अपॉइंटमेंट ले ली है। चलो बबीता जी। Okay. बहुत बुरा हुआ नहीं बबीता जी सिटी के साथ, मतलब भीड़े भीड़े के साथ। चलो चलते हैं, अभी दूसरा ट्यूशन टीचर ढूंढना पड़ेगा। वैसे एक हिंदी का टीचर मेरी नजर में है। हाँ। अगर आप बोलो तो बात करूं उससे, मेरा स्कूल का फ्रेंड है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या है वो अय्यर भाई को उनके पास जाना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं आ सकते क्या, उनकी उम्र हो गई है ना। लेकिन इधर पास में ही है वो, अपना वो बेलापुर, वो थाना के उधर। बेलापुर? हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर हिंदी सीखना है तो जरूर जाएंगे वो। बराबर है, तो ठीक है मैं कल ही फोन करके फिक्स कर देता हूँ। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना अय्यर भाई तो हिंदी सीखने जाएंगे तो आप फ्री रहेंगे, तो आपको गुजराती सीखना है? तुम भाई कुछ मैं हूँ ना, आप शांति रखिए, बैठ जाइए आप जरा। शांत हो जाइए। अरे क्या कर रहे हो? अरे वो सो जाइए आप। अरे क्या कर रहे हो? आराम कीजिए थोड़ी देर तक। अरे क्या करूं? फोन क्यों नहीं लग रहा है? बाबा प्लीज शांत हो जाए प्लीज। अरे क्या कर रहे हो? सीधे हो जाइए, वो सीटी कहीं पर चली जाएगी और शांत हो जाइए। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर अग्रवाल नमस्ते, मैं मिसेस भिड़े बात कर रही हूँ, वो डॉक्टर हाथी ने आपसे हाँ अपॉइंटमेंट, अच्छा 3 बजे की, हाँ ठीक है हम लोग आ जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर। उसको बोलना था। हाँ? अरे ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो पापा सारी जिंदगी सीटी बजाओगे? अब चुप
जाइए, शांत हो जाइए। आपको जो भाषण देना ना वो सिटी निकलने के बाद दीजिए। हाँ जरा बैठ जाइए, बैठ जाइए, आराम कीजिए थोड़ी देर। हाँ नहीं समझी, गले में जो सिटी अटक गई है। टप्पू उसको पता नहीं चलना चाहिए। बाबा आप कुछ भी करो, टप्पू को किसी भी बात का पता चल जाता है। शांत हो जाइए, आप सो जाइए। शांति, आराम करना है आपको। शांत शांत शांत। सो जाइए आप। क्या वीणे अंकल बोलते हैं तो उनके मुंह से सीटी बजती है। हाँ। क्या जोक मारे गुली। अरे सच बोल रहा हूँ, भिड़े अंकल बोलते हैं तो मुंह में से सीटी बजती है। तो चलो हम उनके घर जाके सुनते हैं। काम था बेटे? ओ मुझे मैथ्स की बुक लेनी थी। अच्छा, पर वो सोए हैं। तो मैं सोनू से मिल सकता हूँ? नहीं, वो पढ़ाई कर रही है। हाँ बाद में आना। हाँ बेटा एक मिनट, मुझे सिर्फ 2 मिनट से बात करनी है, सिर्फ सोनू से 2 मिनट। नहीं बेटा। अरे बस अंदर आके सोनू से 2 मिनट। नहीं बेटा नहीं, मैंने कहा ना सोनू पढ़ाई कर रही है, चलो तुम लोग भी सब पढ़ाई करो, एग्जाम नजदीक आ रही है ना, चलो। हाँ बाय बेटा। अरे आंटी 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 अब क्या करें? आइडिया, क्या जेठा जी, समझ में नहीं आ रहा कि ये भेड़े जी ने अभी अर्जेंट मीटिंग क्यों बुला ली है। उसमें बबीता जी क्या, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे बराबर है आपकी, वो सवाल बराबर है, क्यों बुलाई भाई मीटिंग, वो भी संडे को है, धूप में इधर खड़ा कर दिया। और चलो बुलाई तो बुलाई है कि वो मीटिंग में आके बोलेंगे कैसे, ए वो उसके गले में सीटी अटक गई, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हो। क्या यहाँ भीड़े भाई के गले में सीटी फंस गई है, वो बोलते है तो मुँह से सीटी का आवाज निकलता है। अरे तो वो देखने और सुनने के लिए मुझे बुलाया क्यों नहीं? ला तू रह गई उसमें क्या, अभी दिखा दे। अरे भिड़े, सॉरी जरा बुलाओ भिड़े को। ओ पिड़े, ओ पिड़े प्रा। क्या हुआ? ओ माधवी भाभी जी, ओ पिड़े कितने हैं? हाँ हाँ एक मिनट, आहो जरा बाहर आ। घर में ही है देखो। ओ पिड़े यार, ओ अर्जेंट मीटिंग है तो ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ जल्दी। अर्जेंट मीटिंग, नक्की सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हुई है, चलो नीचे जाके देखते हैं। हम लोग आते हैं नीचे। अरे सुनो उधर से थोड़ा, कोई बात नीचे आएगा तो उसको बोलता, वो करेगा ऐसा होगा, बोलता ऐसा आवाज आता है। अच्छा। अरे भाई कोई इधर है के ना, कुर्सी तो लेके आओ बबीता जी के लिए, कब से बिचारी खड़े है धूप में। अय्यर भाई कुर्सी लेके आओ। It's okay, I'm fine, I'm absolutely fine. क्या हुआ? अरे आगे भीड़े, ये मीटिंग क्यों बुलाई है आपने? अरे मैंने, अरे लेकिन वो सोसाइटी के बोर्ड पर तो लिखा है ना। अरे वो हाँ इन्होंने नहीं लिखा है ये। क्या नहीं लिखा? अरे तो फिर लिखा किसने ये ले?
अय्यर भाई ने लिखा है। अय्यर ने लिखा है। अय्यर ये क्या मजाक है? बबीता जी जरा बोलिए, जरा डांटिए इनको। ये क्या मजाक है? आपको खड़ा कर दिया धूप में इधर। शांति शांति। नहीं अय्यर भाई के बाजू में टप्पू 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 ये तुमने लिखा है? टप्पू बबीता आंटी कुछ पूछ रही है, जवाब दो। क्यों? भिड़े अंकल की सीटी सुनने के लिए, उन्हें नीचे बुलाने के लिए। टप्पू तुम्हारी शरारत दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। वेरी बैड टप्पू, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलो सॉरी बोलो भिड़े अंकल को। टप्पू बबीता आंटी सॉरी बोलने को बोल रही है तो बोलो सॉरी बबीता आंटी को, मतलब भिड़े अंकल को। सॉरी अंकल। बेटा टप्पू ऐसे मस्ती नहीं करते ना, भिड़े अंकल को तकलीफ हो रही है ना बेटा। ऐसे किसी की मुसीबत में मजाक करना अच्छी बात नहीं है। ओके सॉरी भिड़े अंकल, हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ कर दो। सॉरी भिड़े अंकल। ओ छोड़ ना यार भिड़े, तू मुझे ये बता तेरे गले में ये सीटी कैसे फंसी यार? क्या? हाँ वो क्या हुआ ना सोड़ी भाई की, वो सीटी बजा रहे थे तो सीटी अचानक गले में चली गई। वो कमाल है पीड़े परा, वो जब सीटी मारते हैं ना तो फूंक बाहर मारते हैं। अरे पगले मुझे पता है। माधवी पप्पी की कह रहे हो? नहीं मैं नहीं, ये इन्होंने कहा। अरे पन हाथी भाई आप तो डॉक्टर है ना, आप क्यों नहीं भिड़े भाई का इलाज कर देते हो? रोशन भाभी मैंने भिड़े भाई को गले के स्पेशलिस्ट का नंबर भी दिया था, उनसे बात भी कराई थी, लेकिन ये ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या भिड़े पर करा लेना ऑपरेशन। मैं ऑपरेशन से डरता हूँ। ये बताने की क्या जरूरत थी? अरे ये देखो ये भिड़े, इसमें क्या डरने का, बच्चा जैसा हो गया देखो। अरे करा ले ऑपरेशन करा ले। पर इतनी सी बात के लिए ऑपरेशन की क्या जरूरत है? बिल्कुल बराबर बोला बबीता, नहीं नहीं ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं भिड़े। लेकिन जेठालाल अगर जो ऑपरेशन नहीं करेंगे तो वो सीटी निकलेगा कैसे? गलती है मेरे पास। समझदारी की बात करता हूं आज आपसे, वैसे तो मैं रोज ही करता हूं लेकिन आज इसलिए कि बात कुछ अलग है। किसी ने ठीक कहा है कि अपना इलाज खुद मत कीजिए, अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी लोग हर आदमी के पास हर चीज का इलाज। अब देखिए ना हमारे जोड़ी साहब इधर गले में सीटी फंसी भिड़क है और क्या इलाज निकाल के लाए, वैक्यूम क्लीनर से सीटी निकालना। अब मुझे नहीं मालूम इससे सीटी निकलेगी या भिड़े के फेफड़े, लेकिन अपना इलाज तो शुरू कर दिया। अब आगे क्या होता है, कितने लोग कितने इलाज लाते हैं, सीटी निकलती है या नहीं निकलती, नए नए इलाज नए नए प्रयोग, इधर फंसी हुई सीटी, न जाने क्या क्या होने वाला है। आपको क्या करना है, आप तो हंसते रहिए ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।